हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सेवटेक स्मार्ट में। i3 12 जनरेशन के सारे लैपटॉप्स के रिव्यूज मैंने कर दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आ जाऊं। तो आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं HP वर्सेस Lenovo। दोनों ही i3 12 जनरेशन के लैपटॉप हैं, और फ्रेंड्स कंपेयर करने का सबसे बड़ा रीजन कॉन्फिग्रेशन और प्राइस आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए, मैं वीडियो के लास्ट में ये क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन से लैपटॉप के लिए जाना चाहिए। तो वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है, तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही लैपटॉप्स का कंपैरिजन करने से पहले इनके मॉडल्स की मैं बात करूं तो एक तरफ है HP 15H FQ5007TU, वहीं दूसरी तरफ Lenovo IdeaPad Slim 3। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और पोर्ट्स आपको सारे ही सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनके CPU की बात करूं तो इंटेल i3 12 जनरेशन 1215U प्रोसेसर दिया हुआ है। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की मैं बात करूं तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 8GB की DDR4 3200MHz की रैम दी हुई है, और आप मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो 16GB तक है। और दोनों ही लैपटॉप्स में 512GB की PCIe NVMe SSD दी हुई है। अगर आपको SSD को इंक्रीज करना है तो आपको दोनों ही लैपटॉप्स में 512GB को रिमूव करके 1TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करूं तो HP में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है, वहीं Lenovo में आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 मिल जाता है। तो यहां Lenovo में आपको कनेक्टिविटी बेटर मिलने वाली है। और इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं GPU की बात करूं तो Intel USD ग्राफिक्स दिया हुआ है, 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो दोनों ही लैपटॉप्स की ग्राफिकली परफॉर्मेंस भी टेस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स दोनों ही लैपटॉप्स में आपको फुल साइज का कीबोर्ड दिया हुआ है। HP में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा और Lenovo में नॉन बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं वेट की बात करूं तो 1.6 kg का वेट सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो HP 15.6 इंच की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स है और कलर गेमट 45% NTA से मिल जाता है। और वहीं अगर मैं Lenovo की बात करूं तो 15.6 इंच की 1080p TN एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी HP में काफी ऑसम देखने को मिल रही है, क्योंकि IPS डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले में नेचुरल कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां डिस्प्ले में विनर HP रहने वाला है। और फ्रेंड्स अब टाइम है इन दोनों लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। दोनों ही लैपटॉप्स में मैंने सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं, देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। 1 2 3 तो फ्रेंड्स वीडियो रेंडर हो चुका है और बिलीव नहीं हो रहा है जो मेरे सामने परफॉर्मेंस निकल के आई है। HP में टाइम लगाया है 56 सेकंड, और वहीं Lenovo ने टाइम लगाया है 2 मिनट 15 सेकंड। अब दोनों ही लैपटॉप्स में सेम प्रोसेसर है, रैम दोनों ही लैपटॉप्स में 8GB DDR4 3200MHz की दी हुई है, और फिर भी परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अब टाइम है इन दोनों ही लैपटॉप्स की बूटिंग स्पीड टेस्ट करने का, वो भी देख लेते हैं कि आज HP विनर होता है या Lenovo। और फ्रेंड्स आज पहली बार दोनों ही लैपटॉप्स ने बूट होने में 11 सेकंड का टाइम लगाया है। और फ्रेंड्स अब टाइम है इन दोनों ही लैपटॉप्स की ग्राफिकल परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। तो HP में GTA 5 गेम प्ले करने जा रहा हूं HD रेजोल्यूशन पे, देखते हैं कितने क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने HP में GTA 5 गेम प्ले किया था HD रेजोल्यूशन पे, तो आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। और वहीं Lenovo में GTA 5 गेम प्ले करके देखते हैं कितनी क्या फ्रेम रेट मिलती है। Homie, you tripping? Man, I just jacked this thing. Nothing. That's worrying, man. That's some shady ass shit. That bitch was pristine, bitch. Be careful. Line it up on the truck.
फेवरेट गेम। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैंने लेनोवो में GTA 5 गेम प्ले किया था HD रेजोल्यूशन पे और जो FPS निकल के आए हैं 25 से 28 FPS। अब यहाँ भी यार मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस भी HP की काफी शानदार देखने को मिली है। और फ्रेंड्स अगर इन दोनों लैपटॉप्स के मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा दोनों ही लैपटॉप्स में। और अगर मैं इनके वेबकैम की बात करूं तो HD वेबकैम दिया हुआ है। और अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो आपको लेनोवो में वेबकैम में प्राइवेसी शटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों ही लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस टेस्ट की, वीडियो रेंडर भी किया, गेमिंग परफॉर्मेंस में मैंने आपको टेस्ट कराई। गेमिंग परफॉर्मेंस और वीडियो रेंडर होने में HP का लैपटॉप विनर हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं इन दोनों लैपटॉप्स की प्राइसिंग की बात करूं तो अभी ऑनलाइन पे 45,000 के आसपास लिस्टेड हुए हैं और अगर आप इन्हें कोई ऑफर सेल में परचेज करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इन दोनों ही लैपटॉप्स में आप फोटोशॉप, एडिटिंग, कोडिंग, नॉर्मल गेमिंग भी आप आसानी से कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं उस टॉपिक पे आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप HP का 15S FQ5007TU लैपटॉप बाय कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है और ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार देखने को मिली। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों का बजट 45,000 के आसपास है तो आप HP के लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।